हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जयसिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, हमारा जो चैप्टर था चैप्टर सिक्स को हमने शेयर किया था, और उसमें क्या बताया था, उसमें हमने आपके साथ शेयर किया उस चैप्टर को, और आगे का जो पार्ट है उसको हम देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। जैसे कि उसकी कमाई की कंपेयर किया गया था, एक कुआ सुई से कुआ खोदने की तरह उसकी कमाई जो थी वो बताई गई थी। और अब हम आगे देखते हैं। नाउ अब ऑल दिस, ये सब कुछ हैड एंडेड, अंत हो गया। सडनली, अचानक इन सारी जो एक्टिविटी थी इनका अंत हो गया। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड, दर्शन आगा जो था वह स्लिप हो गया, फिसल गया था। कब फिसला था? वाइल, जबकि, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू स्टैंड अप, खड़े होने की कोशिश करते हुए, ऑन द आइस, बर्फ़ पर खड़े होने की कोशिश करते हुए, दैट हैड हार्डन्ड, जो बर्फ़ हार्डन्ड हो चुकी थी, कठोर हो चुकी थी, ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, पिछली रात के दौरान, एंड और हिट, और टकरा गया हिज हेड, उसका सिर टकरा गया था, ऑन द स्टोन बाउल, जो स्टोन बाउल जो नीचे चबूतरा बना हुआ था, अंडर द टेप, उस फाउंटेन जो टेप था उसके नीचे जो चबूतरा बना हुआ था उससे उसका सिर टकरा गया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। वेन गुलनाज हियर द न्यूज़, जब गुलनाज ने समाचार को सुना, यानी दर्शन आगा की मृत्यु के समाचार को सुना था, तो सी फ्रोजन, वह ऐसे समझो जैसे वह जम गई थी। वह वाट वाज सी गोइंग टू डू, वह क्या करेगी? नाउ अब, इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, टू लेफ्ट, छोड़ना, विद टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ छोड़ जाना, 1 9 ईयर ओल्ड, एक 9 वर्ष का था, एंड अदर, और दूसरा 6, और दूसरा 6 वर्ष का था, इस प्रकार से उसको छोड़ जाना ये अच्छी बात नहीं थी। हाउ कुड ही फीड, वह कैसे भोजन करा सकती थी देम, उनको, ओनली बाई वॉशिंग क्लॉथ्स, केवल कपड़ा धो करके, 2 or 3 times a week, एक सप्ताह में दो या तीन बार कपड़ा धो करके वह उनको कैसे भोजन करा सकती थी। शी थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, बट लेकिन, कुड नॉट रीच ए डिसीजन, लेकिन वह एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। उसने सोचा और सोचा लेकिन वह एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। इट इज़ ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा होती है, जब वो मर गया, मर जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो वो गुलनाज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गहन विचार कर रही थी, लेकिन विचार करते करते वह कोई निर्णय नहीं कर पाई कि उसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब इट इज़ ए ट्रेडिशन, ये आज भी एक परंपरा है, फॉर द नेबर्स, पड़ोसियों के लिए, टू सेंड फूड, भोजन भेजने की आज भी एक परंपरा है, फॉर ए डे और टू, एक दो दिन तक भोजन भेजा जाता है, कहाँ, टू द हाउस, उस घर में भेजा जाता है, बेयर, जहाँ द डेथ हैड ऑक्योर्ड, जहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी, जहाँ मृत्यु हो चुकी होती है, वहाँ पर एक दो दिन तक भोजन भेजने की आज भी पड़ोसियों की परंपरा है। द फर्स्ट मील, प्रथम भोजन, केम आया टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन, गुलनाज और उसके बच्चों के लिए आया था, और उसके बच्चों के लिए आया, फ्रॉम द व्हाइट हाउस से आया था, बेयर, जहाँ पर रेफ एपेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन, एक धनाढ्य व्यापारी लिव्ड रहता था, एक रेफ एपेंडी जो था वो धनाढ्य व्यापारी वहाँ पर रहता था, उनके वहाँ से भोजन आया। एट नून, दोपहर के समय, ऑन द डे, दिन, वेन दर्शन आगा डाइड, जब दर्शन आगा मरा था, दर्शन आगा के मरने के बाद दोपहर में, द मेड, नौकर, फ्रॉम द व्हाइट हाउस से अपीयर्ड, प्रकट हुआ, विद ए लार्ज ट्रे, एक बड़ी सी ट्रे लेकर के प्रकट हुआ था, ऑन इट इस ट्रे पर बर थे, डिशेज ऑफ नूडल्स, नूडल के भोजन थे, जिन नूडल्स को कुकड़ पकाया गया था, इन चिकन ब्रॉथ, चिकन के शोरबम पकाया गया था, सम मीट, कुछ मांस भी था, इन रिच सॉस, बहुत ज़्यादा सॉस लगा हुआ मांस भी था, चीज़ रोल, पनीर के रोल थे, एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ थीं। टू टेल द ट्रूथ, हकीकत बताने के लिए, हकीकत बात यह है,
नो वन हैड थॉट, किसी ने नहीं सोचा था ऑफ ईटिंग, खाने की, दैट डे, उस दिन खाने की किसी ने नहीं सोचा, बट लेकिन एज सून एज द कवर्ड, लेकिन जो ही ढक्कन हटाया गया, बाज लिफ्टेड, उठाया गया था फ्रॉम द ट्रे, उस ट्रे से जो ढक्कन उठाया गया था, वो ढक्कन जैसे उठाया, द एरोमा ऑफ फूड, भोजन की गंध ने बैकॉन्ड देम उनको आकर्षित कर लिया, भोजन की गंध ने उनको आकर्षित कर लिया था। दे गैदर्ड, वे इकट्ठे हो गए, राउंड द टेबल, टेबल के चार ओर बैठ गए, एंड और मे भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, दे उन्होंने हैड नेवर हैड पहले कभी नहीं, सच गुड फूड बिफोर, ऐसा भोजन पहले कभी नहीं रखा था, हो सकता है कि उन्होंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं रखा था। इट टेस्टेड, इसका स्वाद था एक्सेप्शनली, एक उम्मीद से परे डिलीशियस, स्वादिष्ट था, ये उम्मीद से परे स्वादिष्ट था। हैविंग ईटन वंस, एक बार खा करके दे फाउंड, उन्होंने पाया, इट इसको नेचुरल, स्वाभाविक पाया, टू सिट, बैठ जाना, राउंड द टेबल, मेज के चार ओर, एट सुपर टाइम, शाम के भोजन के समय, वो भी मेज के चार ओर फिर दोबारा से भोजन करने बैठ गए, एंड और सेटिस्फाई और संतुष्ट किया था, देयर हंगर, अपनी भूख को संतुष्ट किया था, विद द लेफ्ट ओवर्स, झूठन से, ऑफ देयर लंच, अपने लंच की झूठन से उसको संतुष्ट किया था। एनदर नेवर, दूसरे पड़ोसी ने टुक केयर ऑफ फूड, भोजन को लिया, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने भोजन की परवाह की, मतलब उसने भोजन भेजा। दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, फॉर थ्री और फोर डेज, तीन चार दिन तक चलता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स, बाद के भोजनों में से कोई भी भोजन बर नहीं थे, एज टेस्टी, उतने स्वादिष्ट नहीं थे, एज और जेनरस, उतने उदार नहीं थे, एज द फूड, जितना कि भोजन था फ्रॉम द वाइट हाउस, जो वाइट हाउस से भोजन आया था, उतने वो स्वादिष्ट नहीं थे, बट लेकिन दे वर ऑल, लेकिन वे सभी थे ए ग्रेट डील बेटर, वे बहुत कुछ ज़्यादा अच्छे थे, देन एनी किसी से, दैट वाज एवर कुक्ड, जिसको पकाया गया था इन गुलनाज पॉट, गुलनाज के बर्तन में पकाया गया था, वो उनसे काफ़ी कुछ अच्छे थे। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यू, काश ये चलता रहता, जारी रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन, गुलनाज और उसके बच्चे, कुड ईजीली हैव बॉर्न, गुलनाज और उसके बच्चे आसानी से सहन कर लेते, दियर सौरव, अपने दुख को सहन कर लेते, कब तक, टू द एंड ऑफ दियर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी के अंत तक, गुलनाज और उसके बच्चे अपनी ज़िंदगी के अंत तक इस दुख को सहन कर लेते, काश ये कंटिन्यू रहता, काश ये चलता रहता, दूसरे के यहाँ से भोजन आता रहता, तो वो दुख को सहन कर लेते। बट लेकिन वेन द ट्रेज, जब ट्रे स्टॉप, रुक गई, कमिंग आना, जब ट्रे का आना रुक गया, एंड और कोयल, और कोयला, देवर बाइंग, जिस कोयले को वो खरीद रहे थे, फ्रॉम द स्टोर, उस स्टोर से खरीद, भंडार से खरीद रहे थे, ऑन द मेन स्ट्रीट, मुख्य गली में जो भंडार था उससे भी वो कोयला खरीद रहे थे, वो कोयला भी कुड नॉट बी बॉट, नहीं खरीदा जा सकता था एनी मोर, और ज़्यादा वो कोयला नहीं खरीदा जा सकता था। दे बिगेन टू रियलाइज, वो महसूस करने लगे, दैट देयर सॉरो, कि उनका दुख बाज अनवेरिएबल, उनका दुख जो था वो असहनीय था। द फर्स्ट डे, पहले दिन द फूड स्टॉप्ड, भोजन रुक गया, दे कैप्ट अप, उन्होंने रखा, देयर होप्स, अपनी उम्मीद रखी थी, टिल नून, दोपहर तक तो उम्मीद रखी थी कि भाई कोई भोजन ले आए, रनिंग, दौड़ कर जाते थे, टू द डोर, दरवाजे पर दौड़ करके जाते थे, ईच टाइम, प्रत्येक बार, जब, कब, दे हियर्ड, वो सुनते थे ए फुट स्टेप, एक कदमों की आवाज़ सुनते थे, आउटसाइड, बाहर, जब वो बाहर कदमों की आवाज़ सुनते थे तो वो दौड़ करके जाते थे। बट लेकिन इट वाज ओनली पीपल, लेकिन ये केवल लोग होते थे, गोइंग, जो लोग जा रहे थे, अबाउट देयर डेली लाइव्स, जो अपने रोज़मर्रा के काम में जा रहे थे, वो केवल वही लोग थे और वो अपने अपने काम पर जा रहे थे, अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए जा रहे थे, डेली लाइव्स। एट सुपर टाइम शाम के भोजन, दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया था, नो वन वाज गोइंग, कि कोई नहीं जा रहा था, टू ब्रिंग, लाने के लिए, देम, उन्हें फूड, भोजन, सुपर टाइम, शाम का जो वक्त था, उस समय तक उन्होंने महसूस किया कि अब कोई भोजन नहीं लाएगा,
सो इसलिए दे हैड टू कुक, इसलिए उन्हें पकाना पड़ा एट होम, घर पर, एज दे हैड डन बिफोर, जैसे वे पहले कर चुके थे, मतलब पकाने का काम जो था पहले से चल रहा था, उन्होंने वो पकाने का कार्य किया। दे हैड गॉट यूज्ड आदि हो चुके थे टू क्वाइट ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, एक भिन्न प्रकार के भोजन के आदि हो चुके थे। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, एंड फाउंड, और पाया इट, इसको डिफ़िकल्ट, कठिन पाया था, टू एडजस्ट, व्यवस्थित बने रहना, टू एडजस्ट मतलब एडजस्ट करना, समायोजन करना, विद द मिजरी डिस गुलनाज कुकड़, विद से टू द टू से द मिजरी तुच्छ डिस भोजन से, गुलनाज जिस भोजन को गुलनाज ने कुकड़ पकाया था, विद हार्डली मुश्किल से पकाया था, ए ट्रेस ऑफ बटर, एक बटर मक्खन के टुकड़े से, एक मक्खन के टुकड़े से उसको पकाया था, उसने अपने आप को बहुत ही कठिन पाया था। दे हैड नो चॉइस, दे बे हैड रखते थे, नो चॉइस कोई विकल्प नहीं रखते थे, बट लेकिन टू गेट यूज टू इट अगेन, लेकिन दोबारा से उसके आदि होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इट वॉज नॉट लॉन्ग, ये ज़्यादा समय नहीं था, बिफोर से पहले दे रन आउट बटर, यानी वो रन आउट बटर यानी मक्खन जो था वो समाप्त हो गया, फ्लोर आटा समाप्त हो गया, पोटैटोज आलू समाप्त हो गए, एंड ग्रेन और नाज भी समाप्त हो गया, ये ज़्यादा समय नहीं लगा था इनको समाप्त होने में। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन तक, दे एट उन्होंने खाया, वाट एवर जो कुछ भी, दे फाउंड उन्हें मिला था, इन द हाउस घर में, अगले कुछ दिन तक उन्हें घर में जो मिला वो खाया, टू ओनियन दो प्याज, एक क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन की गांठ, ए हैंडफुल ड्राई बीन्स, और सूखे मुट्ठी भर सोयाबीन के बीज फाउंड पाए, इन ए कॉर्नर ऑफ द कपबोर्ड, और जो अलमारी थी, अलमारी के कोने में जो उन्हें मिले थे उनको पाया। फाइनली अंततः, देयर केम ए डे, अंततः एक दिन आ गया, वेन ऑल द पॉट्स, जब सारे बर्तन, बास्केट टोकरी, बोतल्स एंड बॉक्सेज और डिब्बियाँ, इन द हाउस घर में, बार एम्प्टी खाली हो गए थे, एक दिन ऐसा आ गया ये सारी चीज़ जो थी वो खाली हो गई। दैट डे उस दिन, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, दे बेंट वो गए टू बेड बिस्तर पर गए, ऑन एम्प्टी स्टोमैक, खाली पेट गए थे, मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वो खाली पेट बिस्तर पर गए, खाली पेट सोए थे। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द सेम अगला दिन भी वो ऐसा ही था, इन्हें कुछ नहीं खाया। बाई द नेक्स्ट आफ्टरनून दोपहर बाद, बाई द नेक्स्ट आफ्टरनून अगली दोपहर बाद, द लिटिल बॉय छोटा लड़का हैड स्टार्टेड शुरू कर दिया क्राइंग, रोना शुरू कर दिया, छोटे लड़के ने रोना शुरू कर दिया, विद हंगर भूख से, उन्होंने भूख से रोना शुरू कर दिया। गुलनाज ने कैप्ट होपिंग, गुलनाज ने उम्मीद रखी थी, क्या उम्मीद कर रही थी गुलनाज, समवन वुड सेंड फॉर हर, कि उसको कोई व्यक्ति बुला ले टू वॉश क्लॉथ, कपड़ा धोने के लिए बुला ले, बट लेकिन पीपल ऑफ द स्ट्रीट, लेकिन गली के लोगों ने थॉट सोचा था, इट वुड भी ये होगा इनकन्सिडरेट मतलब अनुचित होगा टू कॉल हर, उसको बुलाना फॉर वर्क काम के लिए, लेकिन गली के लोगों ने उसको काम के लिए बुलाना अनुचित होगा ऐसा सोचा था। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड, घर में कोई व्यक्ति नहीं, थॉट सोचता था ऑफ गेटिंग अप, खड़े होने की किसी ने नहीं सोची, जागने की किसी ने नहीं सोची। दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड, वो सभी भोजन के स्वप्न देख रहे थे। द यंगर बॉय छोटे लड़के ने साथ देखा सॉफ्ट एंड फ्लैपी ब्रेड, छोटे लड़के ने स्वप्न में देखा था सॉफ्ट मुलायम एंड फ्लैपी और गुद्देदार ब्रेड देखे थे। ओल्डर बॉय बड़े लड़के ने साथ देखा स्वीट्स मिठाइयाँ देखी इंस्टेड के बजाय, अर्थात ब्रेड के बजाय उसने मिठाइयाँ देखी। इफ़ यदि ओनली ही हैड देम, काश वो उसे मिल जाए वंस मोर, एक बार और मिल जाएं तो ही वुड, काश वो उसे एक बार और मिल जाएं तो ही वुड ईट देम, वह उन्हें खाएगा वन बाई वन, एक एक करके खाएगा। शवरिंग घटकते हुए ईच माउथफुल, प्रत्येक को मुंह भर के घटकते हुए एक एक करके खाएगा, उनको एक एक करके खाएगा वो। वाट ए फूल, कितना मूर्ख ही हैड बीन, वह कितना मूर्ख हो चुका था टू हैव ईटन, खा चुका था, खा करके कितना मूर्ख हुआ था। ऑल सबको हिस शेयर, अपने हिस्से को खा गया एट वंस, तुरंत ही तुरंत पूरा हिस्सा खा गया, ये तो उसने बहुत ही
मूर्खता का काम किया था। गुलनाज लेटी रही इन हर बेड, अपनी बिस्तर पर लेटी रही, लिसनिंग सुन रही थी टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की बड़बड़ाहट को सुन रही थी। टीयर्स आंसू फ्लोइंग बह रहे थे साइलेंटली, चुपचाप बह रहे थे डाउन हर चीक्स, उसके गालों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, वो उनको बच्चों की बुड़बुड़ाहट को सुन रही थी। लाइफ बेंट ऑन जारी था इन द स्ट्रीट, गली में, आउटसाइड बाहर, एज बिफोर, पहले की तरह सब कुछ वो अपने काम में लगे हुए थे। लोग सब कुछ जीवन जो था वो यथावत चल रहा था। ए डोर क्लोज्ड, एक दरवाज़ा बंद हुआ। सी न्यू, वह जानती थी कि इट वॉज द बॉय, कि ये बच्चा था। नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे में पड़ोसी का, जो बच्चा गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जा रहा था। फुटस्टेप, कदमों की आवाज़ साउंडेड, सुनाई दी। आउटसाइड बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज द तहसीन अफेंडी, ये तहसीन अफेंडी था। द बार्बर नाई था, वॉकिंग डाउन, जो चलता जा रहा था। द स्ट्रीट, गली में होकर के चलता हुआ जा रहा था। टू ओपन हिज शॉप, अपनी दुकान खोलने के लिए। नेक्स्ट वन, और अगला था, अगला जो व्यक्ति आया था वो बाज था। द क्लर्क, अगला व्यक्ति क्लर्क था। टू द इलेक्ट्रिक कंपनी, जो इलेक्ट्रिक कंपनी का क्लर्क था। देन, फिर ए शू मेकर, फिर एक मोची, जूता बनाने वाला। देन ए ब्रेडमैन, और फिर आवाज़ आई एक ब्रेडमैन की। हु कम्स, जो आता है टू द वाइट हाउस एवरी डे, जो रोज़ाना वाइट हाउस में आता है। एट द सेम टाइम, इसी वक्त आता है। द बिग बास्केट, बड़ी बड़ी टोकरियाँ टाइड बंधी हुई थी। टू द बोथ साइड ऑफ द ऑफ हिज हॉर्स, उसके घोड़े के चारों तरफ दोनों टाइड में बंधी हुई टोकरियाँ। बर फुल ऑफ ब्रेड, ब्रेड से भरी हुई थी, बंधी हुई टोकरियाँ ब्रेड से भरी हुई थी। द क्रैकिंग ऑफ बास्केट, टोकरियों की चरमराहट की आवाज़ कुड बी हियर्ड, सुनी जा सकती थी। फ्रॉम फार अवे, दूर से ही सुनी जा सकती थी। टोकरियों के चरमराहट की आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय, यह बड़ा लड़का था। हु फर्स्ट हियर्ड इट, जिसने इसको पहले सुना। एंड लुकड, और देखा। टू वार्ड हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की ओर देखा। गुलनाज गॉट अप इन हिज कोल्ड रूम, गुलनाज जो थी इन द कोल्ड रूम, ठंडे कमरे में खड़ी हुई, जाग गई। एंड पुट रैप, और लपेट लिया राउंड हर, अपने आप को चारों तरफ से लपेट लिया। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए उसने अपने आप को चारों तरफ से लपेट लिया। सी हैड डिसाइडेड, वह निर्णय कर चुकी थी। टू आस्क फॉर, मांगने का। टू लॉब्स, दो पाप मांगने का। और ब्रेड के दो पाप मांगने का निर्णय कर चुकी थी। ऑन क्रेडिट, उधार उसने दो पाप मांगने का निर्णय कर लिया था। सी कुड पे, वह भुगतान कर सकती थी। वैन, जब वह भुगतान करती थी। जब सी गॉट मनी, जब उसके पास धन होगा तो वह भुगतान कर देगी। फ्रॉम द लॉन्ड्री, लॉन्ड्रिंग कहाँ से, लॉन्ड्रिंग से उसके पास धन आ जाएगा तो वह उसके लिए भुगतान कर देगी। इस उम्मीद से उसने उधार लेने की उसे सोची थी कि मैं उसे उधार ले लूँगी। सी ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला। एंड सा द बास्केट, और टोकरियों को देखा। फुल भरी हुई, टू द ब्रीम, लवाला भरी हुई। विद फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड, विद से फ्रेश गुद्दी, फ्रेश ताज़ा स्पंजी गुद्दीदार वाइट ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड से ताज़ा और गुद्दीदार सफ़ेद ब्रेड से भरे हुए देखा। ए ब्यूटीफुल स्मेल, एक बहुत ही अच्छी गंध। बेंट अप आई हर नोज, उसकी नाक पर आई। एंड जस्ट, और तुरंत ही, जस्ट जैसे ही, सीवाज अबाउट टू से, जैसे वह कुछ कहने वाली थी, समथिंग वह कुछ कहने वाली थी। टू द ब्रेडमैन, ब्रेडमैन से कुछ कहने वाली थी। तो सी ही शाउटेड, वह चिल्लाया। गिड्डी आप, ऐसे वो हरामी कह करके कुछ अपने घोड़े से, टू द हॉर्स, अपने घोड़े से कुछ ऐसा अपशब्द बोलते हुए वह चिल्लाया। एंड और गुलनाज ने लॉस्ट खो दिया हर ऑल करेज, अपने पूरे साहस को खो दिया। नो वर्ड्स केम, कोई शब्द नहीं आया। फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह पर कोई शब्द नहीं आया। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड, और स्वर्गीय गंध वाला भोजन। पास लबे, गुजर गया। बाई हर हाउस, उसके घर के पास मुकर के गुजर गया। और स्वर्गीय महक वाला भोजन, उसके घर के पास मुकर के गुजर गया। बट लेकिन शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड, वह अपना हाथ नहीं बढ़ा सकी। एंड टेक इट, और इसको नहीं ले सकी। लेकिन गुलनाज जो थी वो अपना हाथ नहीं बढ़ा सकी और ना ही ब्रेड ले सकी थी।
सी केम इनसाइड, वह अंदर आई। बट लेकिन डिड नॉट डेयर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई टू लुक, देखने की इन टू द फीवर्ड आइज, ज्वरित आँखों में ऑफ हर सन्स, अपने बेटों की ज्वरित आँखों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। जो बेटे वेटिंग होपफुली, जो उम्मीद पूर्वक इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वह अंदर आई, लेकिन उम्मीद पूर्वक इंतज़ार कर रहे बेटों की ज्वरित आँखों में, नीरस आँखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन, एक शब्द भी नहीं बोला गया था इन द रूम, कमरे में। द बॉय सिंपली, लड़कों ने साधारण रूप से लुक्ड देखा एट हर एम्प्टी हैंड्स, उसके थाली हाथों की ओर देखा। एंड टर्न, और बदल लिया देयर आइज, अबे अपनी नज़रों को बदल लिया। इट वाज ए लॉन्ग टाइम लेटर, इट वाज ये था ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद, लेटर बाद में। दैट की द यंगर बॉय, छोटे लड़के ने ब्रोक द साइलेंस, शांति को तोड़ा। छोटा लड़का जो है वो शांति तोड़ करके क्या कहता, अपनी माँ से कहने लगा, मदर माँ आई कैन नॉट स्टैंड, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ। स्टैंड का अर्थ यहाँ सहन से, सहन करने से लगाएंगे। माँ मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ एनी मोर, और ज़्यादा, माँ मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ घटित हो रहा है इन माई टमी, मेरे पेट में कुछ घटित हो रहा है। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है, डोंट वरी, चिंता मत करे माई स्वीट सन, मेरे प्रिय बेटे, इट इज़ हंगर, ये भूख है। आई फील इट टू, मैं भी ये महसूस करती हूँ। तो वो लड़का कह रहा, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, ऐसे उसने कहा। फिर वो क्या करता है, द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के ने ओपन हिज आइज, अपनी आँखों को खोला। एंड और लुकड एट हिज ब्रदर, और अपने भाई की ओर देखा। गुलनाज लुकड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज ने उन दोनों की ओर देखा। द लिटिल बॉय वाज साइलेंट, छोटा लड़का बिल्कुल शांत था। हिज फेस वाज डार्कर, उसका चेहरा डार्क हो गया था, मुरझा गया था। हिज लिप्स ड्राई, उसके होठ सूख गए थे, पर्चड़ थे, जले हुए से थे। हिज ब्लडलेस स्किन, और उसकी रक्तहीन त्वचा फेडेड, फीकी पड़ गई थी। एंड हॉलो, और खोखली थी, उसकी रक्तहीन त्वचा फीकी पड़ गई थी और खोखली थी। फाइनली, अंततः गुलनाज ने इशारा किया टू द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के की ओर इशारा किया। एंड दे लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ा द रूम, कमरे को छोड़ा, टू टॉक आउटसाइड, बाहर बातचीत करने के लिए। गुलनाज और उसके बड़े लड़के ने कमरे को छोड़ा था। और वह क्या कहती है, वी मस्ट गो टू द बोडोज, हमें बोडोज के पास में जाना चाहिए, द ग्रोसर, पसारी के पास में जाना चाहिए। ही मस्ट, वी मस्ट आस्क फॉर, हमें उससे मांगना होगा सम राइस, कुछ चावल, फ्लोर, आटा एंड पोटैटोज, और आलू। टेल हिम, उसे कह देना, वी विल पे हिम, हम उसे भुगतान कर देंगे, इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में उसके लिए भुगतान कर देंगे। फिर क्या होता है, द बॉयज सेवी कोट, लड़के का गंदा सा कोट, वाज नॉट हैवी एनफ, पर्याप्त भारी नहीं था, टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, बाहर की ठंड को दूर रखने के लिए। लड़के का गंदा सा कोट, बाहर की ठंड को दूर रखने के लिए पर्याप्त भारी नहीं था। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स, उसकी टांगों में ताकत नहीं थी। एंड हैड स्टडी, और अपने आप को खड़ा करना पड़ा था, हिमसेल्फ, अपने आप को अगेंस्ट द बॉल्स, दीवारों से खड़ा करना पड़ा था। एज ही बाकड़, जैसे हुए चला था तो उसने अपने आप को दीवारों से खड़ा करना पड़ा था। फाइनली, अंततः वह पहुँच गया टू द स्टोर, वह स्टोर पर पहुँच गया, ऑन द हिल, पहाड़ी पर उस स्टोर पर पहुँच गया। एंड इंटर्ड, और प्रवेश किया द वार्म रूम, गर्म कमरे में उसने प्रवेश किया था। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, अनटिल, कब तक इंतज़ार किया, अनटिल, जब तक नहीं, ऑल अदर कस्टमर्स, अन्य सभी ग्राहक हैड लेफ्ट, नहीं छोड़ चुके थे। होपिंग, उम्मीद करते हुए, टू बी एबल, समर्थ होने की उम्मीद करते हुए, टू टॉक टू द ग्रोसर, पसारी से बातचीत करने की, इन प्राइवेसी, एकांत में बातचीत करने की। एंड टू एन्जॉय, और आनंद लेने की, द वार्मथ, गर्माहट का, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और आनंद लेने की उम्मीद करते हुए। फिर क्या हुआ, देन फिर ही लेफ्ट हिज प्लेस, फिर उसने अपने स्थान को छोड़ दिया, बाई फायर साइड,
आपकी बगल से स्थान को छोड़ दिया एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया ए पाउंड ऑफ राइस आधा किलो चावल ए पाउंड ऑफ फ्लोर आधा किलो आटा एंड ए पाउंड ऑफ पटेटो आधा किलो आलू। उसने उसको आदेश दिया था। ही पुट हिज हैंड उसने अपने हाथ को डाला इन टू हिज पॉकेट अपनी जेब में डाला था एज इफ मानो रीचिंग फॉर हिज मनी मानो अपने धन के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। देन फिर ही प्रेटेंडेड फिर बहाना बनाया टू हैव लेफ्ट एट होम उसको घर छोड़ने का बहाना बनाया कि भाई जो धन है वो तो घर रह गया है ऐसा उसने बहाना बनाया था। ये बात उसमें बताई गई। अब हम इस वीडियो में आपके लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।